नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंद्रधनुषी दुनिया पर। तो आज हम बात करते हैं देवी माँ की तीसरी शक्ति चंद्रघंटा की। चंद्रघंटा अर्थात ऐसी देवी माँ जिनके सिर के ऊपर घंटे के आकार का चंद्र है और जिनकी 10 भुजाएं हैं और सभी भुजाओं में उनके पास अलग अलग अस्त्र शस्त्र हैं। माँ चंद्रघंटा के 3 नेत्र हैं। 3 नेत्र का मतलब है कि देवी माँ के पास कुछ अलौकिक शक्तियाँ हैं और वो अलौकिक शक्तियाँ वे अपने साधक को एहसास कराती हैं। ऐसी मान्यता है जो पूरी नवरात्रि देवी माँ की उपासना करते हैं वे तीसरे दिन माँ की अलौकिक शक्तियों को अनुभव भी कर सकते हैं, उसकी अनुभूति भी कर सकते हैं। अलग तरह की सुगंध आना, कुछ दिव्य अनुभव करना, ऐसे कई बार बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ऐसा महसूस किया है कि उन्हें कुछ बेहतर सुगंध महसूस हो रही है या कहीं से कुछ अलग तरह की आवाज़ आ रही है। हमें एहसास कराती है कि हमारे अंदर भी एक दिव्य शक्ति होती है जो हम भले ही समझ नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो वो शक्ति हमारे सामने प्रकट हो जाती है। कभी कभी तो हमें एहसास भी नहीं होता कि हमारे अंदर ये शक्ति है या ये क्षमता है। आज माँ चंद्रघंटा के स्वरूप के पूजन के साथ साथ हम बातचीत करेंगे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री भारत देश से कल्पना चावला की। कल्पना चावला के बारे में आप सबने सुना होगा और वे न जाने कितनी महिलाओं के प्रेरणा स्रोत रही हैं। कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के करनाल जिले में हुआ था और उन्होंने हिंदी माध्यम में पढ़ाई की थी, लेकिन कल्पना चावला के सपने ऊंचे थे। वे बचपन से ही अपने पिता से कहती थी कि उन्हें अंतरिक्ष के बारे में जानने का शौक है। वे हमेशा अंतरिक्ष के बारे में बातचीत किया करती थी। 12वीं की पढ़ाई के बाद कल्पना चावला अमेरिका गई आगे की पढ़ाई के लिए और नासा में बतौर असिस्टेंट रिसर्चर उन्होंने ज्वाइन किया और वो उस अभियान दल का हिस्सा थी जो कोलंबिया से अंतरिक्ष यात्रा के लिए जा रहा था। 7 लोगों की उस टीम में कल्पना चावला पहली भारतीय महिला थी। दोस्तों, कल्पना चावला का जो चरित्र है, जो व्यक्तित्व है, वो सिर्फ ये नहीं बताता है कि वो सिर्फ एक अंतरिक्ष यात्री थी। कल्पना चावला की शख्सियत ये बताती है कि एक छोटी सी जगह पर जन्म लेने के बाद भी आप अपने सपनों की उड़ान भर सकते हैं अगर आपको एहसास हो जाए कि आप वास्तव में क्या करना चाहते हैं। कभी कभी हम सब असमंजस में रहते हैं कि हमें क्या करना है। कभी कभी तो हमें पता ही नहीं होता कि हमारे जीवन की डगर कौन सी है, लेकिन अगर हम सही समय पर अपने जीवन में ये जान लें कि हाँ, हमें इसी रास्ते पर आगे बढ़ना है, यही हमारी मंजिल है, तो एक न एक दिन वो मंजिल हमें मिल ही जाती है। कल्पना चावला ने न सिर्फ अपने सपनों को पूरा किया बल्कि भारत देश के अनेकों छात्र छात्राओं को उनके सपनों को जीना सिखाया। कल्पना चावला ने अपनी पहली अंतरिक्ष उड़ान में 372 घंटे अंतरिक्ष में बिताए थे। धरती की 252 परिक्रमाएं की थी। उन्होंने अंतरिक्ष में 2 बार यात्रा की और पहली यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न की थी। जब वे कोलंबिया अंतरिक्ष शटल अभियान दल की सदस्य थी, उस समय उन्हें पता भी नहीं था कि वे धरती पर वापस सशरीर लौटेंगी। माना तो ये भी जाता है कि नासा को ये पता था कि उनका जो शटल है उसमें कुछ खराबी आ गई है, ये जो 7 लोग इनमें से कोई भी वापस लौट के आने वाला नहीं है। कहा जाता है कि नासा ने उन्हें इसलिए नहीं बताया कि जब वो 7 लोग अंतरिक्ष की सतह पर चहलकदमी कर रहे थे, अपने सपनों को जी रहे थे, पल पल की खबर भेज रहे थे, उस दौरान नासा में बैठे वैज्ञानिक ये जान रहे थे कि वापस सिर्फ इनके शरीर के टुकड़े ही आएंगे, ये सब शरीर वापस नहीं आने वाले हैं, लेकिन उन्होंने उन्हें नहीं बताया ताकि वो अपने जीवन का अंतिम समय खुशी से बिता सके, ना कि मृत्यु के डर से। कल्पना चावला का जीवन भारत की महिलाओं के लिए, भारत की लड़कियों के लिए एक मिसाल है, क्योंकि एक छोटी सी जगह पर जब कोई लड़की पैदा होती है तो उसे लगता है कि उसका जीवन मात्र 4 दीवारी के अंदर है। एक छोटे से गांव में पैदा हुई लड़की हमेशा सोचती है कि उसका जीवन सिर्फ चूल्हे चौके तक ही सीमित रह जाएगा, लेकिन
कल्पना चावला ने ये साबित कर दिया कि आप चाहे जहाँ पैदा हो, अगर आपके सपनों में दम है, अगर आप में जोश है, अगर आपने अपनी मंजिल पाने की ठान ली है, तो आप उसे ज़रूर पा लेंगे। यूँ तो कल्पना चावला ने अमेरिका की नागरिकता ले ली थी, लेकिन हम सब भारतीय उनके नाम से ही गौरवान्वित महसूस करते हैं। बचपन में कल्पना चावला ने एक बार अपने पिता से पूछा था, पिताजी अंतरिक्ष यान आकाश में कैसे उड़ते हैं? तो उनके पिता ने उनकी बात को हंसकर टाल दिया था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उसी अंतरिक्ष यान पर उनकी बेटी एक दिन सवार होकर अंतरिक्ष की सैर करेगी। दोस्तों, माँ चंद्रघंटा की अलौकिक शक्तियों और कल्पना चावला के सपने में जो दम है, जो साहस है, जो शक्ति का एहसास वे हमें कराती हैं कि हम चाहें तो हम भी कल्पना चावला बन सकते हैं। जब कोई लड़की भारत में किसी अंतरिक्ष यान से संबंधित किताब पढ़ती है या कुछ जानती है या जानना चाहती है, तो सबसे पहले उसके दिमाग में कल्पना चावला की तस्वीर आती है कि कल्पना चावला भारतीय महिला थी जिन्होंने ये कर दिखाया था। तो अगर उन्होंने कर दिखाया है तो हम क्यों नहीं कर सकते। वे हमारे सपनों में जान फूंक देती हैं। ऐसी मिसाल को हम लोग कैसे भूल सकते हैं। आज तीसरी शक्ति चंद्रघंटा है, उनके मंत्र के बारे में भी हम जानेंगे। माँ चंद्रघंटा का मंत्र है, पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते मेहम चंद्रघंटेति विश्रुता। भगवती दुर्गा अपने तीसरे स्वरूप में चंद्रघंटा नाम से जानी जाती हैं। नवरात्र के तीसरे दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन किया जाता है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसी कारण से इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 10 हाथ हैं और इनके 10 हाथों में खड्ग बाण अस्त्र आदि विभूषित हैं। इनका वाहन सिंह है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की होती है। इनके घंटे से भयानक चंड ध्वनि से अत्याचारी दानव दैत्य राक्षस भयभीत रहते हैं। नवरात्र की दुर्गा उपासना में तीसरे दिन पूजा का बहुत अधिक महत्व है। माँ चंद्रघंटा की पूजा हमारे इस लोक और परलोक के लिए परम कल्याणकारी है। अतः हम सब माँ चंद्रघंटा के कल्याणकारी स्वरूप की आराधना करते हैं। माँ चंद्रघंटा के अलौकिक शक्तियों के पूजन के साथ साथ आज हमने जाना कि कल्पना चावला के सपनों में कितना दम था। कल्पना चावला ने अंतरिक्ष में जाने के लिए अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा दी थी। उन्होंने अमेरिका की नागरिकता ली थी। भारत में बैचलर डिग्री लेने के बाद वो पीजी करने के लिए विदेश गई थी। उन्होंने 2 बार अंतरिक्ष की यात्रा की थी। कोई भी सपना बड़ा नहीं होता, सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे हौसले कितने बुलंद हैं। अगले दिन हम एक और शख्सियत के बारे में बात करेंगे और देवी के एक नए रूप की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।